आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की धूम है। पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी में भी अलग अलग विभागों, मंत्रालयों एवं समाज के विभिन्न सवर्गों द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में रविवार को दी होप रिहैबिलिटेशन एंड लर्निंग सेंटर की ओर से स्पेशल बच्चों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्पेशल बच्चों ने अपने हाथों से तिरंगा फहराया और विभिन्न एक्टिविटीज में प्रतिभाग किया। रिहैबिलिटेशन एंड लर्निंग सेंटर के एमडी दिव्यांशु कुमार एवं डॉक्टर प्रीति कुरील ने बताया कि पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न में डूबा हुआ है। इसी के मद्देनजर हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि सोसाइटी के उस पक्ष को भी नजरअंदाज ना करें जिन्हें आपकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा सेंटर स्पेशल बच्चों का ट्रीटमेंट करता है, उनको विभिन्न गतिविधियों के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करता है। इन बच्चों में स्पेशल दिव्य शक्ति होती है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और उसे निखारने की। सर, इनकी ट्रेनिंग, इनकी प्रैक्टिस नॉर्मल बच्चों की तरह होती है या हमारे मन का भेद है कि हम इनको विभिन्न अलग तरीके से मानते हैं? हम अगर इनको ट्रेनिंग दे, जैसे नॉर्मल बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती, वैसे अगर इनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये भी मुख्य धारा में शामिल होकर सारे नॉर्मल बच्चों की तरह सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, बाकी सारा कुछ तो इन बच्चों में मतलब बिल्कुल सब सेम ही रहता है। डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, जैसे बच्चे की स्पीच नहीं है तो स्पीच थेरेपी दी जाती है। एजुकेशनल डिले है तो उसके लिए एजुकेशनल थेरेपी दी जाती है, स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। कोई बिहेवियर इशू होते हैं तो बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जरिए हम दिमाग के विभिन्न हिस्सों को एक्टिवेट करके जो इनके सेंसरी इशूज़ होते हैं उनको वर्कआउट करके इनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये बच्चे जो हैं इनमें सोशल अवेयरनेस नहीं होती है, इनमें सबसे ज़्यादा सोशल ही प्रॉब्लम होती है कि बच्चों से मिलते नहीं हैं, बच्चों के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बच्चों के साथ ग्रुप प्ले नहीं कर पाते हैं, स्टेज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अलग रहते हैं लोगों से। तो हमारा मोटिव यही रहा है कि बच्चों के साथ हम प्ले करें, उनको जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल में परफॉर्मेंस करते हैं, गैदरिंग करते हैं, वैसे ही हम इनको भी वैसे ही लेके आएं ताकि ये बच्चे, हमारे बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह स्टेज परफॉर्म करें, इमिटेशन करें, डांस करें, नाटक करें, ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह सोशल हो। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।